ये है किलाए मुबारक, जिसे आज हम लाल किले के नाम से जानते हैं। लाल पत्थरों से बना हुआ होने के कारण लोग अपने बोलने की आसानी के लिए इसको लाल किला कहकर पुकारने लगे, तभी से इसका नाम लाल किला पड़ गया। ऐसे ही बहुत से रोचक कहानियाँ और किस्से इस लाल किले से जुड़े हुए हैं, जो कि आज मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी कि सिर्फ आप इसको एक बड़ी बिल्डिंग और ह्यूज साइज़ की एक बिल्डिंग की तरह नहीं देखेंगे, एक इतिहास की तरह देखेंगे, एक ऐसा इतिहास जो अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जिसकी एंट्री फ़ीस है फ़िलहाल 80 रुपये, मतलब उसमें म्यूज़ियम का और भी कुछ चार्ज जोड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और टिकट जो है वो कुछ दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। टिकट जो कुछ है ऐसा दिखता है, फ़िलहाल 80 रुपया टिकट है। अंदर जाके दिखाता हूँ कि कैसी लोकेशन है। जब शाहजहां ने फैसला किया राजधानी को आगरा से दिल्ली में शिफ्ट करने का, तब 1948 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। पहले जो इसकी एंट्री थी वो दूसरे साइड से हुआ करती थी, लेकिन अभी जो इसकी एंट्री है वो लाहौरी दरवाज़ा करके एक है, उससे होती है। वो भी जाके दिखाता हूँ मैं। इसका नाम लाहौरी दरवाज़ा इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसको बनवाने वाले थे उनको लाहौर से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, और उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, जिस वजह से इस दरवाज़े का नाम लाहौरी गेट पड़ा था। बैग स्कैन ये सब हो गया, बस अंदर एंटर हो गए हैं। दिखा देता हूँ लोकेशन। इस किले की नींव 1638 में रखी गई थी और 1648 में ये बनकर तैयार हुआ था। इसको बनने में टोटल 10 साल का लंबा समय लगा था और ये 264 एकड़ में फैला हुआ है। और जो आज हम लोग किला देख रहे हैं, असल में ये जब बना था उसका ये सिर्फ 20% बचा है, और 80% ये कैसे ख़त्म हुआ इसका पूरा इतिहास आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। और किले के इस हिस्से का नाम है लाहौरी दरवाज़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। 16 अगस्त 1947 को पहली बार यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था। अब आप सोच रहे होंगे ये 16 अगस्त क्यों बोल रहा है। आज़ादी के बाद पेपर वर्क में इतना ज़्यादा टाइम गुजर चुका था कि रात के 12 बज गए थे, तो टेक्निकली वो 16 तारीख हो चुकी थी, जिस वजह से 16 तारीख 1947 को पहली बार यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था, जिसके बाद से ये प्रथा बन गई कि जो भी प्रधानमंत्री होते हैं देश के वही यहाँ पर आके तिरंगा फहराया करते हैं। एंटर करने का भी एक कुछ ऐसा दिखता है, 1648 में ये बन के तैयार हुआ था। और अभी सामने एक गेट दिख रहा है, ये जो एंट्रेंस का गेट है, इस एंट्रेंस के अंदर जो मार्केट है, इस मार्केट का नाम है छत्ता चौक मार्केट। छत्ता चौक का मतलब होता है कवर्ड मार्केट। ये है छत्ता चौक मार्केट। इस मार्केट का जो लुक है वो पाकिस्तान के पेशावर से लिया गया था, जो शाहजहां उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे, जिस वजह से उन्होंने उस जगह से इंस्पायर होकर इस मार्केट को बनवाया था। एक प्लानिंग के तहत चलते हुए अंग्रेज़ों ने 1858 में किले पर कब्ज़ा कर लिया और महज एक साल के अंदर ही 80% प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया, और यहाँ पर मिले हुए कीमती सामानों से ही इन्होंने बंदी गृह बनवाए, जिसे जेल कहा जाता है। यह है मुग़लों के वक्त का लाल किले का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही सारी अच्छी अच्छी खूबसूरत इमारतों से भरा हुआ था। फिर 1858 में ब्रिटिशर्स के हमले के बाद इस किले की स्थिति ये बची। जो मुझे अब जाके महसूस हुआ, मतलब कि जो लाल किला हम लोग भटक रहे हैं,
ये सिर्फ 80% जो ख़त्म कर दिया था अंग्रेज़ों ने, उसका सिर्फ 20% यहाँ पे बचा हुआ है। तो सोचो 20% इतना खूबसूरत है लाल किले का, अगर 80% पूरा, जो मतलब 100% पूरा रहता, तो मतलब लाल किले की खूबसूरती मतलब अलग ही लेवल की होती। तो मतलब अंग्रेज़ों ने 1857 में इसको बर्बाद किया, लाल किले को 80% जो था वो सब बर्बाद कर दिया। अगर वो कंप्लीट रहता तो मतलब इसकी खूबसूरती अलग ही लेवल पे होती। मैं अब इमेजिन करके भी बचता रहा हूँ कि मतलब उन लोगों ने कितना कुछ बर्बाद कर दिया। चलो ठीक है, आगे और क्या क्या लोकेशन है वो सब भी दिखाता हूँ। तो अगर लाल किला विज़िट करो तो अफसाना जो रेड फोर्ट स्टोरी है वो ज़रूर सुनना, मतलब बहुत अच्छा लगेगा सुन के। मतलब ऐसा महसूस होगा कि कितनी प्राउड फीलिंग है यहाँ पे आना। वो जो उस तरफ है जो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा वो है नौबत खाना। नौबत खाना इसलिए क्योंकि वहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो 9 खिड़कियाँ है। ऊपर देखेंगे अगर आप काउंट करेंगे तो 9 खिड़कियाँ है, और उन 9 खिड़कियों में वादक होते थे, शहनाईबाज होते थे, मतलब एक तरह से आपका स्वागत वेलकम किया जाता था जो VIP गेस्ट होते थे उन लोगों का। जिस वजह से इसका नाम नौबत खाना पड़ा, क्योंकि 9 खिड़कियाँ थी यहाँ पे। जो मैं बता रहा था आपको, यही है नौबत खाना। ये देखो इसमें 9 खिड़की आपको परफेक्ट दिखाई देगी। जब VIP लोग आते थे उनका स्वागत यहाँ पे होता था शहनाई और वाद्य से, जिस वजह से उसका नाम नौबत खाना पड़ा। नौबत खाना से जस्ट मैंने एग्जिट किया है और सामने दीवाने आम पड़ता है जहाँ पे जनता की सुनवाई होती थी। ये जो लोकेशन है यही दीवाने आम हुआ करता था। दीवाने आम आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, यहीं पर जनता की सुनवाई हुआ करती थी। ये कुछ ऐसा दिखता है। और इस हिस्से में शाहजहां बैठा करते थे, जो कि डिसीजन लेते थे कि मतलब क्या फैसला करना है। ये रंग महल में सिर्फ रानी और दासियों के लिए ही यहाँ पे परमिशन थी, मतलब रानियाँ और जो शाहजहाँ के लोग थे बादशाह रॉयल फैमिली, वही लोग इसमें एंटर कर सकते थे और आम जनता को इसमें आने की परमिशन नहीं थी। अगला जो महल है यह है खास महल, इसी के अंदर तख्ते ताऊत रहा करता था,
और शाहजहाँ तो जो थे वो एडवाइजरी के जो भी काम रहते थे वो इसी में रह के करते थे। ये जो आप पेंटिंग समझ रहे हैं ये पेंटिंग नहीं है, पत्थरों की नक्काशी की हुई है। हाँ उधर, हाँ वही पर, हाँ वही पर बस। सत्य था जो था इसी के अंदर था और इसी के ऊपर कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, और वो जब चोरी हुई तब सबको पता है कि अंग्रेजों ने सालों ने लूट रखा है। इसके बाद जो मैं प्लेस एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो है मोती मस्जिद, जिसको औरंगज़ेब ने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए इस प्लेस को बनवाया था और यहाँ पे वो आके नमाज़ पढ़ा करते थे, वो भी दिखा देता हूँ। फ़िलहाल एंट्री गेट तो उसका बंद कर दिया हुआ है, कोई अंदर जा नहीं सकता। बाहर से ही थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ जो देखने के लिए मिल जाए। मुझे लगा था एंट्री गेट ओपन रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, और ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है जहाँ से मैं ऊपर कैमरा करके आपको दिखा सकूँ, पर कोशिश करता हूँ कि वो ऑप्शन मिल जाए मुझे, कुछ थोड़ा आसपास से कुछ तो देखने मिले। इतना ही पॉसिबल था यहाँ से देखना। हाँ, और मैं एक और चीज़ बताना भूल गया था, जब अंग्रेज़ों ने लाल किले पर कब्ज़ा कर लिया था तो फिर जो रंग महल था उसको उन लोगों ने कैंटीन की तरह यूज़ किया था, मैस की तरह, मतलब वो लोग वहाँ पे खाना बैठ के खाया करते थे वैसा। और जो ये लाल किला आज हम लोग देख रहे हैं ये समझ लो 100% था ना, तो अंग्रेज़ों ने इतनी तबाही मचाई कि ये सब ख़त्म होने के बाद सिर्फ 20% ही बचा, और इसको संभालने और रखरखाव में मराठा लोगों ने भी मुगलों की मदद की थी। कैसा लगा भाई आप लोगों यहाँ? बहुत अच्छा लगा। पैसा बर्बाद सारा सब टोटल। चलो ठीक है, थक गए भाई पैदल चलते चलते। बाय बाय। और यहाँ पे अभी तो गार्डन जैसा कुछ बचा नहीं है, पर ये ऐसा गार्डन हुआ करता था यहाँ, हयात बख्शा नाम था इस गार्डन का। और ये जो देख रहे हैं आप पानी की फैसिलिटी का ये ऑप्शन था इसके लिए, और यहाँ यमुना नदी बहती थी, वो बहकर इस हिस्से में आती थी, और यहाँ पे गार्डनिंग का काम अच्छा होता था। मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं ये है भादो मंडप, जिसको 1638 से लेकर 1648 तक के शाहजहाँ ने बनवाया था, और वो बारिश के मौसम में यहाँ अक्सर बैठा करते थे। और इसमें कई इस जगह पर संगमरमर का यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जब लाल किला मापते मापते थक जाओ तो कैफेटेरिया भी यहाँ पर है। जलियांवाला बाग के बारे में जो है उसके बारे में ये म्यूज़ियम है।
म्यूज़ियम से बाहर आ गया हूँ मैं, जलियांवाला बाग और बाकी जो लड़ाइयाँ हुई थी उससे रिलेटेड कुछ यादें यहाँ पे संजो कर रखी हुई थी, बाकी ठीक ही था। मतलब तीसरे म्यूज़ियम में एंटर किया है मैंने फ़िलहाल, जैसा था दूसरा म्यूजियम। अरे एग्जिट, और ये है मुमताज महल, जैसे कि इसे शाहजहां ने बनवाया था तो एक मुमताज महल तो चाहिए यहाँ पर भी, तो इसलिए भी मुमताज महल है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई अपना बहुत अच्छा है, क्या नाम है भाई चैनल का? नेटिव मुसाफिर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस भाई की जान की वीडियो। खुदा हाफिज़। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।